दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक महाकारुणिक गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए आज की इस रामलीला ग्राउंड में महारैली के संयोजक माननीय जयेश पाटिल जी, उनकी पूरी टीम, हरियाणा पावर कॉरपोरेशन से आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय देशराज सरोय जी और देश के कोने कोने से आए सभी मेरे साथियों, सभी को जय भीम जय भारत। साथियों, आज हम आरक्षण की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और यही आरक्षण है एक समय ऐसा था जो बाबा साहब नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में आरक्षण हमें मिला और आज हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि हमने अपने पुरखों की बात को नहीं माना। उन लोगों ने अपने पुरखों की बात को माना, इसलिए वो हमें आरक्षण नहीं दे रहे हैं। जब संविधान को इस देश में लागू किया जा रहा था तो माननीय सरदार पटेल ने बाबा साहब से कहा था कि आप आरक्षण का प्रावधान संविधान में ना करें, लेकिन बाबा साहब ने कह दिया कि मैं तो लिखूंगा। तो पटेल जी ने कहा था कि लिख ले, सरकार हमारी बनेगी, हमारी मर्जी होगी हम आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। उन लोगों ने अपने पुरखे की बात को माना। उस दिन जिस दिन से देश में संविधान लागू है, इस देश में भारत में सरकार बनी, उन लोगों ने आप लोगों को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। जो बाबा साहब के साथ उस समय टीम थी उसने भी उनकी बात को नहीं माना और हमने भी बाबा साहब की बात को नहीं माना, इसलिए हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर आपने आरक्षण लेना है साथियों, तो बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। बाबा साहब को मानने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कहा था कि एक एक जो अंतिम मेरा समाज का सदस्य है उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए, लेकिन पहुंचेगी कैसे? हम लोग उसकी परवाह ही नहीं करते। हमने नौकरी मिल के आराम से हम ठाट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने गांव तक अपने समाज में नहीं पहुंच रहे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम अपने पुरखों की बात को माने, बाबा साहब की बात को पूरा अंजाम दें। इससे ज्यादा मैं कुछ ना कहते हैं साथियों, तो मैं लगवाऊंगा